नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों ने लड़की से छेड़छाड़ की थी। छेड़छाड़ की शिकायत करने पर बदमाशों ने लड़की के पिता की जान ले ली है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता को महंगा पड़ गया है। शिकायत से चिढ़े शहीदों ने लड़की के पिता पर कई राउंड गोलियां चलाकर उनकी जान ले ली है। लड़की का कहना है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की शिकायत पिता ने उसकी शिकायत थाने में दे दी थी, इसी बात को लेकर मेरे पिता को गोली मारकर उनकी जान ले ली है। साथ ही पीड़ित ने गोली मारने वाले का नाम गौरव शर्मा बताया है, जिसके तीन और साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके वारदात को अंजाम दिया है। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। ऐसे में पुलिस पर सवालिया निशान यहां पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके की ऐसी घटना सामने आती है, ऐसे में बदमाश खुलेआम वारदातों को अंजाम देके मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और अपराधियों पर एनएसए लगाने की यहां पर आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है और साथ ही साथ तीन आरोपी यहां पर फरार चल रहे हैं, जिनकी जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। लगातार दबिश भी दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस से आप तक पहुंचा रहे हैं। गाँव के लोग थे, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। वो पैरा इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गांव आए घूमने के लिए। प्लीज, छह सात लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? क्या